अभी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक है व्हाट डू यू थिंक ऑफ क्लास प्रमोशन क्लेरिफाइंग, कक्षा प्रगति से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। देखिए, अब अलग अलग जो विशेषज्ञ हुए हैं उनका ये अलग अलग मानना है, तो एक का हम नहीं मान सकते, लेकिन सबका ये अलग अलग मानना है किस आधार पे हमें उनको क्लास का प्रमोशन देना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम है, एक है वर्क, एक ही वर्ष का समय होता है, ये परीक्षाएं छात्र, तो कई कारण हैं, तो हम एक एक करके इसका कारण पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रगति के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन। अब ये कहते हैं विशेषज्ञ जो हैं वो कहते हैं किस सिद्धांत बनाए गए हैं वो आप देखिए। ये वर्ष भर का कार्य, ऑल ईयर वर्क, पूरे वर्ष में बालक की प्रगति तथा प्रवीणता किस प्रकार की रही है इसका आंकलन करके प्रगति दी जाती है। दूसरा है फिक्स्ड बेसिस, निश्चित आधार, प्रगति देते समय कतिपय आधार अवश्य बना लेना चाहिए। कार्य कुशलता, वर्क एफिशिएंसी, जो बालक कार्य कुशल हो उसे कम समय में भी प्रगति दी जा सकती है। विभिन्न परीक्षा फल, वेरियस टाइप ऑफ रिजल्ट्स, प्रगति देते समय मासिक, त्रिमासिक, छमाही परीक्षाओं के परिणाम भी देख लेने चाहिए। पांचवा पॉइंट है फेयरनेस, निपेक्षता, अध्यापक को प्रगति देते समय निपेक्ष एवं तटस्थ रहना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट है फेल्ड स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी, अनुत्तीर्णों छात्रों को पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए, जो फेल हो जाएं उन्हें एक बार मौका देना चाहिए कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन करके पास हो सकें। अब ये कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रमोशन, प्रगति के प्रकार किस प्रकार होने चाहिए। अब कहते हैं एनुअल प्रोग्रेस, भारतीय विद्यालयों में प्रगति एक वर्ष का पाठ्यक्रम है, पश्चात परीक्षा के माध्यम से दी जाती हैं। तीसरा है सीजनल ये प्रोग्रेस, छात्र को एक सत्र में पश्चात जो प्रगति दी जाती है उस स्तरीय प्रगति कहते हैं, मेधावी छात्र इसका लाभ ये उठा सकते हैं। फिर है सब्जेक्ट ये प्रोग्रेस, किसी विशेष विषय में प्रगति देने का विषय प्रगति कहते हैं। उसके पास है शत प्रतिशत प्रगति, 100% ये प्रोग्रेस, इस मत के अनुसार प्रत्येक आयु के छात्र को अपनी योग्यता के अनुसार प्रगति दी जाती है। डबल प्रगति, डबल प्रोग्रेस, कुछ समय को एक साथ ही दो कक्षाओं की प्रगति दी जाती है, ये डबल प्रगति कहलाती है। कोठारी कमीशन ने प्रगति देने के लिए अनुमति इंटरनल ई असेसमेंट पर बल दिया था, ये आंतरिक अनुपम है कि मूल्यांक को जो विद्यालय में किया जाता है उसका महत्व है कि उसे वो महत्व मिलना ही चाहिए, ये साधन हो और छात्र के विकास भी संभावनाओं पर विचार करता हो, इसके परिणाम अलग से रखे जाते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।